हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम पूजा दिवाकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, गर्मी इतनी बढ़ रही है ना, मैं सोच रही हूँ मैं शावर ले लूँ जाके। मेरा खाना पीना हो चुका है, इट इज़ समथिंग 2:30 इन द आफ्टरनून एंड सब खा पी चुके हैं, सब जा चुके हैं अपना खाना पीना खा के। तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्विक शावर लेती हूँ, सो दैट यू नो आई कैन जस्ट बीट द हीट इन द समर। सो गाइस, मैंने ना एक नया टन या बॉडी पैक बनाने का सोचा है, तो मैं उसमें क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ वो सब मैं आपको बताती हूँ। एंड ये पैक बनाने में मुझे हेल्प करेगा आरू, बिकॉज वो अभी जस्ट फीवर से यू नो रिकवर किया है। ही वॉज डाउन विद वायरल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अब फाइनली जाके उसको ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो वाई नॉट लेट्स जस्ट इन्वॉल्व हिम एंड आस्क हिम टू डू द नीडफुल। सो फ्रेंड, मेरे उस्ताद आ गए हैं। सो उस्ताद इज हेल्पिंग मी मेक दिस उपटन। उस्ताद, कैन यू टेल मी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? This is orange peel, this is besan, I forgot this about this name. This is oats. Yes. Powdered oats. Yes. So the ustad is mixing generously. आज उसने सोच के रखा है कि आज मैं अपनी माँ को खूबसूरत बना के ही रखूंगा। Yes, Aru? Yes. And what are you mixing it with? Rice water and some normal water. Okay. So first start, First mix it. So this has become a good paste. We just need to add on 1 or 2 teaspoon of water to have it in a good slurry form. Not too thick or too thin, but a good apple. So friends, my body pack, face pack or upton, अब जिसे जो भी कहना है, ready हो गया है. Now I will apply this on my face and on my body. But before applying on my face, I'll be washing my face. And फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी. And ये लगाने का मैं बताती हूँ कि कैसा ग्लो आता है. So guys, मेरा शावर लेके तो हो गया है, मुझे बहुत मजा आया. It is so calming and relaxing. खैर, अभी मैं आपको मेरे ingredients के बारे में बाद में बताती हूँ, but it is very important for a proper skin care post shower. तो मैं सबसे पहले लव अर्थ का ये विटामिन सी ई एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम अपने फेस पे लगाऊंगी, जो मेरा डेली रूटीन रहा है आजकल. जस्ट एक्टिवेटिंग द प्रोडक्ट एंड जस्ट अप्लाइंग इट एंड आई एम जस्ट अलाउइंग इट टू ड्रॉ. थोड़ा जूम जूम करके ऐसे करके सो आफ्टर दिस सीरम, मेरा ये फेवरेट मॉइस्चराइजर जो मैं हमेशा ओवर द डेकेड लगाते हुए आई हूँ, एंड आई सिंपली लव दिस प्रोडक्ट. अ पी साइज इज इनफ एंड रफ एंड थोड़ा जूम करके मेरे पास आओ, उठ के मेरे पास आओ एंड जस्ट अप्लाइंग इट जेंटली ओवर माई फेस. Not the target area जहाँ पे आप एक्चुअल में मॉइस्चराइज करना चाहते हैं. डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर आईलिड्स, योर लैश. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सनस्क्रीन. गाइज, इट इज इवनिंग एंड अभी आप सोचेंगे कि अरे इवनिंग तो हो गया है तो हम मुझे सनस्क्रीन की क्या जरूरत है. येस, बींग एट होम एज वेल, हमको सनस्क्रीन की इक्वल ही जरूरत है, बिकॉज आज के टाइम पे हम हमारे घर में इतने सारे वार्म लाइट्स लगाते हैं. वी वर्क इन फ्रंट ऑफ द गैस, वी यूज अवन, वी यूज लॉट्स ऑफ अप्लाइंसेस जिसमें से भी यूवी रेज आते हैं. नॉट टू फॉरगेट दिस पार्ट एज वेल.
इसीलिए सनस्क्रीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर स्किन रूटीन. एंड आई यूज द ब्रांड फोटो स्टेबल गोल्ड. गाइज दिस इज अ डर्मैट रिकमेंडेड सनस्क्रीन. इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव बट ट्रस्ट मी गाइज, वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस आप इसको छोड़कर दूसरा प्रोडक्ट यूज कर ही नहीं सकते. इट इज सो नाइस, यू कैन टेक इट एनी वेयर एनी प्लेस, बी इट द माउंटेन्स, द स्नो, द बीचेस. दिस वर्क्स लाइक एन मैजिक ऑन योर स्किन. देखा कि मेरे घर का कितना सुंदर व्यू था. एंड ट्रस्ट मी इट इज़ द सनसेट एंड एकदम सही टाइम है चाय पीने का. तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने. एंड चाय पीते पीते मैं आपको मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ. ही इज माय हेल्पर नाउ डेज. आरुष सोमिया है, ही हेल्प्स मी विद लॉट ऑफ थिंग्स. अभी ना फिलहाल 3-4 दिन से बहुत बीमार रहा है. ही वॉज डाउन विद फीवर. और ये देखो, ये जेलस माता. ये है हमारी चिपको माता, क्योंकि इनको जैसे पता चल रहा है कि मैं व्लॉग कर रही हूँ या एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग अगर मैंने फोन पे उठा के किया, सो शी हैज टू कम रनिंग. है ना बेबी? बाबू से गाइस आप क्या कर रहे हो? मैं ये सब बिल्कुल नहीं सिखा रही हूँ, नीदर एम आई एम अप्रिशिएटिंग इट. बट क्योंकि मैं शूट करती हूँ एंड कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, दिस इज हाउ शी इज अडेप्टिंग टू थिंग्स. सो गाइस चलिए मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ एंड देन फिर मैं आपको आपके आपको सारे उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ. सो गाइस आफ्टर दैट ग्रेट फॉल बहुत मजा आया एंड वी ऑल हैड अ गुड लाफ ओवर इट. हैविंग टी एंड नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विथ माई वीडियो, दैट इज शेयरिंग अबाउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट आई यूज इन माई फेस पैक. Hydration is very very important. So yeah, A, oatmeal. Oatmeal has an anti-inflammatory property which heals and repairs your skin. It also brighten up your skin and it can be used as a daily scrub. It can be used on daily basis and as per your time, as per your preference, आप जब चाहे उसको अपने face पे लगा सकते हैं. And there are various ways of using oatmeal. So there's nothing hard and fast rule कि आपको ऐसे ही use करना है. But you make it a point that you just grind it and make it into fine powder because the thick granules won't stick onto your skin and that won't affect much. Second ingredient, orange peel powder. Orange peel powder has vitamin C which has brightening properties. It is very effective for acne prone skin and it also gives a good aromatherapy for your skin and for your body, for your mind as well, because anything that smell good, it makes you feel good from within. Third ingredient was basin or chickpea flour. This particular ingredient has been used since ancient times because again it has brightening properties, it has good nourishing properties and it works great for your skin. And fourthly and the last product which I used was the rice water. I had soaked rice and I removed that water and I had stored it in my fridge so that it becomes cool and I can use it on my face. Well, rice water can be used as a toner, a natural toner. It has anti-aging properties and it has brightening properties as well. Again, it has healing properties. It helps to boost the collagen of your face, which helps to increase the elasticity of your skin. So guys, this was all the products which I used for my face pack and I use it on daily basis. I'm more of an organic person rather than buying any cream or face pack from the market. I do buy, I'm not saying, I'm not going to deny that I don't use any of these. I do buy a few products, but I am more of a DIY person as compared to what the market offers, because I think skin and hair, or in short our body, is our temple which we really need to worship.
So yeah, this is up for today. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Do apply this face pack and then let me know how the results, how you liked it. Please do give me your suggestions in the comment box as to what videos I should be making, because nowadays I am in lack of creativity and I want to catch up with the trend. So I am doing my research work as well. And yeah, today you can have a glance at my face properly. And now tell me, what is the difference that you've seen over the time now? And the ones who watch me regularly can catch in fraction of seconds. So yeah guys, tab tak ke liye stay fit, stay hit, stay healthy, stay together until next time. Bye bye. Love you all.